तो अभी ये नाश्ता कर रहे हैं ये यार मम्मा तुमको मैंने क्या बोला ना तुमको पढ़ाई इसका गुस्सा देखो 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 मेरे को ऐसे नोच रहा है मैंने इसको बोला तुमको पढ़ाई करना है तुम्हारा एग्जाम आ रहा है तो ये मेरी बात नहीं सुनता है पढ़ाई नहीं करना है नहीं पढ़ाई नहीं करना है नहीं मानू था अम्मा बोलती है कि शिवाय आ, शिवाय ब्लॉग में बोलता है ना बोलते हैं शिवाय बोलती है कि शिवाय ब्लॉगिंग में बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है देख लो ऐसा लड़का है ये शिवाय गंदा बच्चा देखो मुझे मारा आज ये मेरे से बहुत ज्यादा मार खाने वाला है फोन चाहिए ना तुमको तुमको मैं देती हूँ फोन रुको जब सोया हुआ था ना तो एकदम शांति थी मैंने जल्दी जल्दी अपना पूरा काम कर लिया मेरा पूरा काम हो चुका है और ये लड़का जब से उठा हुआ है ना दस मिनट में मुझे इतना ज्यादा चिल्लवाया है अभी मैं इसको पीटने वाली हूँ पापा आएंगे ना पापा को बोलूं कि डंडा लेकर आओ एक तो मुझे परेशान करोगे करोगे मुझे परेशान अच्छा जरा एक पोयम सुना दो तो बिल्ली मौसी वाला आ तुछे, तुछे। नहीं फोन तो मैं तब मैंने करके बता दो बता, दे दो तो बुक में और मैं तुमको फोन दे दूंगी तुमको पोयम तो आता है पोयम बोल के तो फटाक से फोन ले लोगे से पागल हूँ क्या मैं पागल मैं पागल हूँ तुम क्या हो मैं फिश हूं बिल्लू बारबरो पापा के विनय तो इसको बोलते हैं बिल्लू बारबर तो बोलते हैं मैं बिल्लू बारबर हूं और आप पागल हो सो गाइस बहुत दिन से मन हो रहा था मेरा मंदिर जाने के लिए विनय को बोल रही थी तो जा नहीं पा रही थी तो हम लोग ये मंदिर गए थे भainder वाले हनुमान जी की मंदिर है तो जब हम पहुंचे ना तो यहां पे आरती शुरू थी तो हम फटाफट से मंदिर में गए और देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर आरती हो रही है मैंने बोले हमारे नसीब में था आरती अटेंड करना जो कि हम उस हिसाब से गए ही नहीं थे तो उसके बाद हम लोग ने आरती अटेंड किया फिर हम देखो भी नहीं यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं ये वीडियो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो आप लोग एडजस्ट कर लेना जाओ सोनू आप जाओ और उसके बाद शिवाय का मन था आप बर्गर खाने के लिए तो हम लोग यहाँ तो तो, पर गए थे तो आ गया तो हम लोग ये शिवाय को बर्गर खिलाने के बाद इधर आए हैं <स्णिण> अब ऊपर जा रहे हैं हमारे पहले वाले घर पे <स्णिण> पार्सल लेने ये हमारा पहले वाला घर तो गाइस हम आ चुके हैं घर शिवाय को वहां से आना नहीं था रो रहा है देखो अभी भी रो रहा है उसको उधर पैसेज में खेलना था जो उधर का पैसेज था पहले लेकर आए गए देख के हमको हम लोग पहले वाले घर पे गए थे टिट्टू हाँ पुराने वाले घर पे गए थे भैया का पार्सल लेने वाह रोज उधर से ही आती जाती है ना तो एक दिन चली जाना एक घंटा उधर रह के आ जा घर में बोल अंकल पहले मैं यहाँ पे रहती थी तो मेरे को एक घंटा रहने दो क्या हुआ ठीक है अभी मैंने सोचा है ना कायरा हम लोग ना पहले वाले बिल्डिंग के गार्डन में ही जाएंगे उधर का गार्डन अच्छा लगता था ना इधर का गार्डन तो समझ में ही नहीं आता वाले बिल्डिंग में ही जाएंगे हाँ उधर ही तुम लोग खेल लेना उधर का गार्डन अच्छा है ठीक है मैं आ, हाँ मैं जरूर खेलेंगे तुम भी साथ में आना फुगड़ी खेलेंगे तंगी आ नाना सब लोग खड़े होए हैं को भी दे दो यार कोई तो चाइनीज बजिया आओ टिट्टू ओ मैं बच्ची को चाइनीज बजिया कोई नहीं देता मैं आई मैं वैसे देख नीचे हम्म देख ना छोटा मस्त सो रहा है अच्छा है ना कायना अब तू एक मिनट इस पार्सल के लिए मैं वहां गई थी वो पार्सल हम लेकर आए और मैंने ओपन किया तो विनय ने भी तारीफ किया कि बहुत ही अच्छी टी शर्ट से एक तो प्योर कॉटन है और होपस्कॉच ब्रांड का है ये और जैसे कि ठंडी आ रही थी और शिवाय के ना डेली वेयर के कपड़े बाहर के लिए तो बहुत कपड़े बट डेली वेयर के लिए कपड़े अच्छे अच्छे नहीं थे बाबू देखो दाग नहीं लगाना तो ये मैंने मंगाया तो विनय को कौन दाई बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया पांच टी शर्ट है वो भी फाइव नाइनटी नाइन में कैसा लगा बाबू हाँ? कैसा लगा, लगा? ब्लैक अच्छा लगता है ना शिवाय के ऊपर एक ब्लैक अच्छा लगा था मुझे कलर और एक ये येलो, येलो बहुत अब अच्छा अब ठंडियों में इसका टेंशन नहीं रहेगा डबल डबल पहनाने का तो आप लोग को भी पसंद आए तो मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगी मैंने जहां से लिया एमेजोन का है ये तो आप लोग भी जाके परचेस कर सकते हो अपने बच्चे के लिए So guys, मैंने मुझे किचन वगैरह क्लीन करना था तो मेरा सब काम वाम इधर हो चुका है क्लीनिंग हो है ये पूरी और मम्मी के पास मम्मी ने बनाया था मटन तो वो लेकर आ रहे हैं अभी बज रहे हैं पौने बारह मुझे लग नहीं रहा है कि कायरा खा पाएगी मैंने बोला था कि जल्दी ले आना तो कायरा खा लेगी तो लग नहीं रहा और मैं भी फ्री फ्री हुई, हुई हूँ रूम वगैरह फैला हुआ था कायरा को बोल दिया मैंने तो उसने क्लीन कर दिया था फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कायरा ने आज मेरी हेल्प की है तो आप लोग को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट में